नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अब तक 24 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस इस पूरे हिंसा के मामले में 14 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग तरीके से आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। और इस पूरे मामले में एक वीडियो हिंसा के बाद वायरल हुआ था 17 अप्रैल को, जिसमें यह दिख रहा था कि हिंसा के दौरान एक नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स जो है वो भीड़ के ऊपर फायरिंग कर रहा है। उसकी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो की जांच की और वीडियो की जांच में जो नीले रंग के कुर्ते में जो शख्स था जो फायरिंग करता उसकी पहचान की, और उस पहचान सोनू शेख के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, 28 वर्षीय सोनू शेख दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला है और सोनू शेख जब हिंसा हुई थी उस दौरान वहां पे था और लोगों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा। हम आपको बता दें कि जब ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लगातार जितने भी वीडियो फुटेज दिल्ली पुलिस के पास मिले हैं उन फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की पहचान में जुटी हुई है और जैसे ही शख्स की पहचान हो रही है गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हम आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में दूसरी बार पथराव हुआ है, क्योंकि सोनू शेख की गिरफ्तारी के लिए जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां पे पहुंची है तो वहां के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने वहां पड़ोसियों ने दिल्ली की पुलिस टीम पर पथराव किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सोनू शेख को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस पूरे मामले में लगातार अपनी कार्रवाई को तेज कर रही है और सोमवार को अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि 3 शोभा यात्रा निकली थी। बताया जा रहा है कि जो शुरू की पहली दो शोभा यात्रा निकली थी उसका परमिशन था, उसमें बवाल नहीं हुआ, लेकिन जैसे तीसरी शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी किसी कारणवश बहस शुरू हुई और वो हिंसा के में की स्थिति वहाँ पे बनी और पथराव आगजनी जैसी स्थिति वहाँ पे देखने को मिली थी। हम आपको बता दें, इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई तेज की जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पे CRPF और RAF की 5 कंपनियों की तैनाती और वहाँ पे बढ़ा दी गई है, यानी कि जहांगीरपुरी का जो आसपास का इलाका है वहाँ पे फोर्स को बढ़ा दिया गया है। ये फोर्स जो है लगातार आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे मार्च करेंगी। इसके साथ ही जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर नज़र रखने का भी ये फोर्स काम करेगी। तो लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के अभियान को दिल्ली पुलिस ने तेज किया है। अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेन मास्टरमाइंड जो है अंसार और असलम, उनकी रिमांड भी सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिमांड जो है 2 दिन के लिए बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो कई खुलासे दिल्ली पुलिस के सामने आ रहे हैं, कई मामले खुल रहे हैं जिनके आधार पर और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल क्षेत्र में तनाव न फैले, हिंसा की स्थिति दोबारा न हो, इसको देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश पर फोर्स को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीम भी लगातार मौके पर जाके क्राइम सीन क्रिएट कर रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर जाके सबूत और को जुटाने में लगी हुई है ताकि ये पता चल सके कि ये जो हिंसा के पूरा मामला निकल के सामने आया है ये कैसे हुआ, क्या ये प्लानिंग में था, और प्लानिंग थी तो इसकी प्लानिंग किस तरीके से थी। तो लगातार फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर जाके क्राइम सीन को क्रिएट कर रही है। तो लगातार मामले की जांच की जा रही है। अब ये देखना होगा कि अभी तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, आने वाले समय में दिल्ली पुलिस और कितने आरोपियों के ऊपर शिकंजा कसती है।